Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल एंड वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शाम का टाइम है और यहाँ पर हमारा टी टाइम चल रहा है और अद्वी का चल रहा है नमकीन टाइम, उसको नमकीन बहुत पसंद है। साथ साथ हम यहाँ पर मूवी इंजॉय कर रहे हैं, ड्रीम गर्ल, जो बहुत ही अच्छी कॉमेडी और फनी मूवी है। हमने थरली इंजॉय किया इस मूवी को, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉमेडी है और एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ भी है। और यहाँ पर मेरी क्रिसमस डेकोरेशन, जिसको मैं लाइक देख के या निहार के बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ, और मेरा मन करता है कि बस मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर अद्वी ने बनाया है अपना जिंजर ब्रेड हाउस, और ये क्राफ्ट वाला है, ये ईटेबल नहीं है, तो वो वाला क्रिसमस से हम एक दिन पहले बनाएंगे, नहीं तो फिर वो ड्राई हो जाता है। साथ ही आज सुबह जब मैं सामान लेने के लिए गई थी, तो मैं ये एक छोटा सा बैग लेकर आई थी, तो इसमें अभी अपने कलर वगैरह रख लेती है, और इसमें आप कलर भी कर सकते हैं। कलर इसके साथ ही आए थे, 4 या 5 जो फैब्रिक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर अद्वी जो है वो अपने हिसाब से कलर किए जा रही है इसके अंदर। और अद्वी का जो रेंडियर है, इसकी हवा निकल गई है क्योंकि रखे रखे निकल ही जाती है, आई डोंट नो कैसे। तो हस्बैंड यहाँ पर इसमें हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आजकल ये भी जल्दी आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि शाम की चाय फिर हम लोग साथ पी लेते हैं। इधर कपड़े जो थे वो धुल गए थे, तो बस इनको डालने के लिए मैं ऊपर एटिक में आ गई हूँ। और इस रूम का जो हीटर है वो 24 आवर जो है वो हाईएस्ट पे रहता है, क्योंकि कपड़े तो डले ही रहते हैं, एवरी डे कपड़े डलते ही डलते हैं। लाइक ऑल्टरनेट डे आजकल मैं कपड़े धुल रही हूँ, लेकिन ये है कि 2 दिन लग ही जाते हैं हीटर में सूखने में। धूप निकलती है तो 1 दिन में सूख ही जाते हैं, और सर्दियों में तो प्रॉब्लम होती ही है। तो बस यहाँ पर कपड़े जो हैं वो फैला दूंगी, और उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो पहले ये काम निपटाऊँ, फिर चलते हैं नीचे। तो ये है वो चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और सबसे पहले जो है वो मैं कर्टेंस डाल दूँ क्योंकि मैंने लाइट ऑन कर दी है। और ये है एक बहुत ही प्यारा सा कॉटन सिल्क का दुपट्टा, और इस वाले कुशन के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो मिडिल में कुशन रखा है आपने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने बाय नहीं किया है, मुझे मेरी एक दीदी बोल दो या फ्रेंड बोल दो, उन्होंने मुझे इंडिया से भेजा है, जहां हम दिल्ली में रहते थे, वहां सामने वाले अपार्टमेंट में वो रहती थी। अब वो रांची शिफ्ट हो गई हैं और उन्होंने अपना एक बुटीक ओपन किया है, द हैंडीक्राफ्ट संदूक, और इस तरह के दुपट्टे, बेडशीट, साड़ी, कुर्ती वो सेल करती हैं। और इसके ऊपर जो ये कलाकारी है ना, दैट इज़ कॉल्ड मधुबनी, ये कोहबर है, तो ये बिहार की एक ट्रेडिशनल आर्ट है, तो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ लगती हैं। तो उन्होंने मुझे ये प्यारा सा एक दुपट्टा भेजा है, और मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। दीदी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनका व्हाट्सएप नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। आइटम्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं क्योंकि सब कुछ हाथों से होता है, कुछ भी मशीन से प्रिंटेड नहीं है, सब कुछ हाथों से होता है, और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो मधुबनी कोहबर जिसने भी सुना होगा उन्हें पता होगा। साथ ही उन्होंने मुझे कुछ चूड़ियाँ भेजी हैं, ये लाख की चूड़ियाँ होती हैं, और ये भी बिहार का एक ट्रेडिशनल होता है, तो ये 4 चूड़ियाँ उन्होंने भेजी हैं। साथ में उन्होंने मुझे ये 2 ईयरिंग भेजे हैं, ये आई थिंक टेराकोटा के बोले जाते हैं, टेराकोटा। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडक्राफ्ट हैं, और लाख की चूड़ियाँ हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अब घर पहनने के लिए मेरे पास एक पेयर और हो गया है, और इन जो वो चूड़ियाँ हैं ना, वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे मम्मी ने मुझे वो कड़ा दिया था, लाख वाला कड़ा। तो मैं जल्दी से सारी चीज़ें पहन के आपको दिखाऊंगी, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना दीदी के आइटम्स के लिए, बहुत प्यारे प्यारे आइटम्स हैं उनके पास। एंड थैंक यू दी भेजने के लिए, थैंक यू सो मच, आई रियली लव्ड, और मैं बहुत जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ इनको पेयर करने वाली हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आज बनने वाला है बहुत ही अवेसम सा, ऑसम सा, फिर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है और मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, ऑसम सा साग बनाऊंगी। ये सरसों के साग की रेसिपी है जो बिना सरसों के बनने वाली है, और वो कैसे बनेगी उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी।
पालक मैंने सुबह बॉईल करके और उसको मैंने पीस के रख लिया था, क्योंकि मैं पालक पनीर बनाने वाली थी। फिर सडनली प्लान बना कि चलो साग बनाते हैं, तो पालक फिर मैंने एज इट इज़ फ्रिज में रख दिया था, और बाकी का जो काम है वो मैं अब करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की ब्रोकली ली है, उसके फ्लोरेट्स करके उसको मैंने वॉश कर लिया है। थोड़ा सा मैंने उसमें गार्लिक डाला है 3-4, और ये है मेरे हाथ में शलजम। इस शलजम को मैंने छोटा छोटा तोड़ के और ये डाल दिया है मैंने प्रेशर कुकर में। इसके बाद मैंने 1.5 इंच के करीब जिंजर लिया है, उस जिंजर को पील करके और मैं ग्रेट करके प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा हमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ब्रोकली खुद बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ करती है और शलजम में से भी निकलता है। साथ ही मैंने यहाँ पर मेथी लिया, ये फ्रोज़न मेथी है, मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं थी तो मैंने फ्रोज़न ही डाल दी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है, और फ्रोज़न मेथी के मैंने 2 बड़े बड़े क्यूब लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बस मैं डालने वाली हूँ। और इसके बाद ग्रीन चिली मैंने डाली है, साग थोड़ा सा करारा ही अच्छा लगता है, तो ग्रीन चिली जो है वो आप थोड़ी सी ध्यान से डालें, 2 या 3 आप डाल सकते हैं। मैंने 2 डाली हैं यहाँ पर, ताकि ये बहुत ज़्यादा तीखा भी ना हो और ये माइल्ड भी ना लगे। इसके बाद बस हमें इसको दम दे देना है, और मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट का ही प्रेशर दिया है। 2 मिनट में ये चीज़ें गल गई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम इनको लगता नहीं है। साथ ही मैं बनाने वाली हूँ मक्की की रोटी, एंड आई एम नॉट प्रो, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो मैं सिर्फ मक्की के आटे से नहीं बना पाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा वीट फ्लावर उसके अंदर ऐड करती हूँ। तो मैं 3 पोर्शन मक्की का आटा लेती हूँ और 1 पोर्शन उसमें वीट फ्लावर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा ग्लूटन बने और मुझे बेलने में आसानी हो। पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है ताकि बिल्कुल फीकी ना लगे, और लूक वार्म से थोड़ा सा और वार्म, जितना आपका हाथ सह सके गर्म पानी को, उतने गर्म पानी के साथ आपको इस आटे को नीड करना है। और इस आटे को नीड करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो कणी होती है ना, आपको उनको सॉफ्ट करना होता है। मक्की के अंदर ना दाना होता है, तो वो दाना जो है ना मसल मसल कर पानी के साथ आपको करना होता है, और जो आपकी पाम होती है उसके नीचे के हिस्से से, जैसे आप रसगुल्ले के लिए तैयार करते हैं ना डो, बिल्कुल उस तरह से करना पड़ता है। मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल उसी पॉइंट पर हैंड सर्जरी हुई हुई है, तो वो फिर मुझे पेन करता है, लेकिन जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया उतना मैंने इस आटे को मसल मसल कर किया है। तो प्लीज़ इसको आप 2-4 मिनट तक अच्छे से नीड करें, बिल्कुल मसल मसल कर, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा ग्लूटन इसके अंदर जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, इसको मैं कवर करके रख दूंगी, और इधर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से हो चुकी हैं। इसके बाद मैं इनको ग्राइंडर में नहीं डालूंगी, या तो आपके पास हैंड ब्लेंडर हो जो बिल्कुल ही बेकार सा हो, जो कुछ काम ना करता हो ढंग से, आप उससे इसको पीसें, या फिर आप इस तरह से जो रई होती है आप उस रई से करें, जो लकड़ी की रई भी आती है ना दूध बिलोने के काम की, इंडिया में तो मिलती है, यहाँ तो मुझे कहीं नहीं मिली, और मेरे पास ये स्टील वाली है, तो मैं इससे इसको मैश कर रही हूँ, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और मकसद बस यही है इस तरह से करने का, ताकि बिल्कुल महीन ना हो, थोड़ा सा चंक रहे, क्योंकि पुराने टाइम में जब साग बनता था ना, तो जो मिट्टी की हांडी होती थी वो उसमें उसकी घुटाई की जाती थी, घोटने के साथ एक बड़ी सी स्टिक होती थी लकड़ी की, तो उससे घुटाई की जाती थी, तो जो हांडी होती थी मिट्टी वाली, उसका जो दरदरा सरफेस होता था उस पर जब वो घोटना लगता था ना, तो उससे वो साग पिसता था और वो बहुत दरदरा रहता था। तो मैंने इसको जितना हो सका है ना उतना महीन करने की कोशिश की है, लेकिन अपनी रई से। इसके बाद जो बिल्कुल फाइन पिसा हुआ इसमें पेस्ट था स्पिनच का, पालक का, वो मैंने ऐड कर दिया है। तो कुछ चीजें दरदरी हैं और कुछ एक चीज जो है वो बिल्कुल महीन है, तो कंबाइंड होके जो टेक्सचर आता है ना, वो बिल्कुल ऐसा आता है जैसे कि आपने इसको हांडी में घोटने से घोटा हो, और ये बिल्कुल थिक सा रहता है, और बनाकर देखिएगा बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं एक बार इसको फिर से रई से फेंट रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वेल कंबाइंड हो जाएं, एक दूसरे में यकजान हो जाएं।
और अब यहाँ पर इसमें बॉयल आने लगा है, तो मैंने हीट को मीडियम कर दिया है क्योंकि साग जो है वो उछलता बहुत ज़्यादा है। और इस पॉइंट पर आपको इसके अंदर डालना है आटा, आलन बोला जाता है इसको, कि आप आटे का आलन लगा दें इसके अंदर। कुछ लोग पानी में घोल के डालते हैं, लेकिन मुझे इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, मुझे बिल्कुल ट्रेडिशनल थिक वाला जो साग होता है, मुझे वो वाला लुक इसके अंदर चाहिए। तो मैं इसमें मक्की का जो आटा है ना, वो बस अंदाजे से ही डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन इसमें हाफ कप के करीब तो डाल ही दिया होगा। तो इस आटे को डालने से क्या होगा कि जितना भी मॉइस्चर इसके अंदर होगा ना, जितना भी पतलापन होगा, वो सारा का सारा भी थिक हो जाएगा और ये बिल्कुल इतना थिक थिक साग लगेगा। और जब आप इस साग को टेस्ट करेंगे ना, कहीं से कहीं तक आपको यकीन नहीं होगा कि ये सरसों का नहीं है, ये बिल्कुल वही टेस्ट देता है जैसे कि ये सरसों का साग बना हुआ हो। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं, और एक तरह से बहुत कम ऑयल में ये बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून घी डाला है, आप बटर चाहें तो बटर डाल दें, साग जो होता है ना वो बटर और घी में ही अच्छा लगता है, तो ऑयल वगैरह ना डालें, तो ऊपर से डाल के ना खाएं आप घी और मक्खन, इसमें आप तड़के में यूज़ कर लें तो उससे ज़्यादा बेटर, अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट आएगा। थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है घी में, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, और कोई प्याज वगैरह मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लहसुन डाला था मैंने उबलने में, दैट्स इट। क्योंकि जो बासी साग होता है ना, जैसे अब ये बच जाएगा तो अगले दिन फिर मैं इसमें प्याज का तड़का लगाऊंगी तो वो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है तब उसमें हींग, जीरा और ड्राइड होल चिली ये डाल दी है मैंने, और थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। और बस अब इस तड़के को मैं ऊपर से साग के अंदर डाल दूंगी, इसको मिक्स कर दूंगी, और लाजवाब सरसों का साग बिना सरसों के तैयार हो जाएगा। कुछ रेसिपी मेरे चैनल पर ऐसी हैं जो ठीक हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहुत उम्दा हैं, कुछ ऐसी हैं जो लाजवाब है। ये उन एक लाजवाब रेसिपीज़ में से एक होने वाली है। जब आप ट्राई करेंगे और मुझे पिक्चर्स भेजेंगे ना इंस्टाग्राम पे, तब आप खुद ही मुझे बताएंगे कि दीपिका ये कितना अच्छा बना है। तो परदेश में रहने वाले जो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, अब वो नहीं तरसेंगे और वो आराम से बना के खा सकेंगे। तो साग मेरा तैयार है, और यहाँ पर बस अब मैं रोटियाँ बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। और रोटी एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे आप गेहूं की रोटी बनाते हैं, बेलनी है, तवे पे डालनी है, लेकिन जब आप बेलें उसको तो थोड़ा सा हल्के हाथ से बेलें, क्योंकि जो आटा होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ पर तवा मेरा गरम हो गया है और मैंने इसमें रोटी डाल दी है, और हस्बैंड जो है एज यूजुअल जब भी वो घर पे होते हैं, जिस टाइम मैं अगर कुछ इस तरह से कुकिंग कर रही हूँ, तो वो आकर किचन में बैठ जाते हैं, या जो डाइनिंग एरिया वाला सोफ़ा है वहाँ बैठकर जो है वो कमेंट्री करते रहते हैं, कुछ कुछ बताते रहते हैं, और यहाँ बोले ये रोटियाँ बनानी तो बड़ी आसान है, तो आकर उन्होंने बनानी शुरू करी, और जैसे गेहूँ की बनाते हैं ना उसी तरह से उन्होंने पूरा प्रेशर डाल के जो है वो यहाँ पर रोटी बेलनी शुरू करी, और वो इतना प्रेशर लगाया उस रोटी पे कि वो चकले पर ही चिपक गई, और कोशिश भी की उसके बावजूद भी वो नहीं उतरी, और वहां से वो फटने भी लगी। तो अब उन्होंने कहा कि मेरा काम तो सिर्फ बेलने का था, अब इसको सेकने का काम तुम्हारा है, तो लेट्स सी के क्या होता है। तो बीच बीच में आके ना, ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि चुरकी छोड़ना, कि बीच बीच में आके कुछ कुछ बोलना, और कई बार तो इतना डिस्टर्ब कर देते हैं ना कि कई बार मेरी रेसिपीज जो है ना वो ख़राब होते होते बच जाती है, बीच में आके कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे कि ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, तो इनके जो चकल्लस होते हैं वो चलते रहते हैं।
पर ये देखिए यहाँ पर ये फिर से अपनी रोटी को देखने के लिए आ गए हैं कि तू सही से नहीं उतार रही है इसको चकले के ऊपर से, लेकिन वो उतर ही नहीं रही थी तो मुझे उसे दोबारा से रोल करके उसका पेड़ा बना के उसे दोबारा बेलना पड़ा। इन्होंने ड्राई फ्लावर भी बहुत कम लगाया था तो इसलिए वो उतर ही नहीं पाई है। और फिर मैं भी इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मक्की की रोटी बनाने के लिए, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से सीखूँ इसको कि किस तरह से पानी के हाथ की, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इंडिया जाऊँ ना तो बस मुझे वहीं का टेस्ट आए। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी मक्की की रोटी बनाती हैं और मैं जब भी बनाती हूँ ना तो हमेशा लाइक के मम्मी के हाथ जैसा तो स्वाद कभी नहीं आएगा, लेकिन ये है कि चलो काम चला लेते हैं, थोड़ा बहुत टेस्ट नियर बाई हो जाता है क्योंकि मम्मी वैसे भी चूल्हे पर बनाती है ना तो चूल्हे की तो रोटी का टेस्ट ही अलग होता है। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पर अपनी जो सारी रोटियाँ हैं उनको बना के तैयार कर लूँगी, और साथ में आप खूब सारा घी जो है ना वो रोटी पर लगाना ना भूले, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये है हमारी आज की थाली, सरसों का साग और साथ में मक्की की रोटी, और लुक इनका जो थोड़ा थोड़ा है ना वो ऐसा ही लग रहा है जैसे चूल्हे की रोटी का होता है, क्योंकि आई डोंट नो देखने में ऐसी ही लग रही हैं। तो अब हस्बैंड जो हैं वो बैठ गए हैं खाने के लिए, मैंने उनसे कहा कि गरम गरम खाओ क्योंकि ये रखी हुई फिर अच्छी नहीं लगती हैं, तो गरम गरम रोटियां जो है मैं उनको बना के खिला रही हूँ। वो और अद्वी जो हैं वो साथ साथ ही खा रहे हैं और इधर मैं रोटियां बना रही हूँ। मैं अपनी दो बना के तवे पे डाल दूंगी तो मैं कुरकुरी कुरकुरी भी खा लूंगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जो वो नहीं बना पाए, तो आज मुझे भी उनको पिंच करने का मौका मिल गया कि चलो कुछ चीज़ तो है तुम नहीं बना पाए हो, तो ये उनसे भी नहीं बनी है। और अद्वी का मन यहाँ पे भरा नहीं था तो वो फिर से आ गई है पापा के पास, और उसके एक्शन से पता लग जाएगा कि उसको साग कितना पसंद आया है। एंड नाउ शी इज़ अगेन बैक अपना करने के लिए ड्राइंग। और रोटी जो है वो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, गेहूं की रोटी तो फटाफट सीखती चली जाती है लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, तो धीरे धीरे करके ये रोटियाँ सीखती हैं। तो बस मैं आकर इनके साथ बात कर रही हूँ बीच बीच में, और एज यूजुअल मैं आकर अगर खड़ी हूँ और ये मुझे ना खिलाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और बहुत मज़े का बना था ये वाला, और नेक्स्ट डे फिर मैंने इसमें प्याज का तड़का लगा के इसको खाया ना, तो बासी साग बासी कढ़ी ये चीज़ें बासी और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई नो कुछ लोग कह सकते हैं कि बासी मत खाओ, बट हम लोग खाते हैं, हमेशा से खाते आए हैं, हम लोग खाना जो है इधर उधर वेस्ट नहीं करते हैं, तो अगर कुछ बच जाता है तो हम लोग खुले दिल से आराम से खाते हैं। तो अब यहाँ पर मेरा चल रहा है खाना, इनका हो चुका है, इसके बाद फिर मैं अपना क्लीनिंग वगैरह करूँगी, देन वी विल सिट डाउन और थोड़ा बहुत टीवी देख के, फिर इसके बाद अपना नाइट रूटीन, अद्वी को सुलाना, मुझे अपना थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम करना, ये सारे काम चलेंगे। और मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पर ये दो बड़े वाले ग्लास रखे हुए हैं जिनमें मैंने चॉकलेट्स भर दी है, और ये बोल रहे हैं कि बस अब मैं काउंटिंग करूँगा कि कितनी खाई जा रही है, बट आई एम ऑफ शुगर, मैं नहीं खा रही हूँ, तो मैंने बस एक ही खाई थी, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बस एक खाई थी और वही बातें यहाँ पर चल रही हैं। और कुछ कमेंट मेरे पास आ रहे थे बनानास को लेके कि दीपिका बनानास बहुत ज़्यादा राइप हो रहे हैं, इनको फेंक दो, तो ये मैं पर्पसली राइप कर रही हूँ क्योंकि मुझको बनाना ब्रेड बनानी है, तो ये नेक्स्ट डे फिर मैंने इनका बनाना केक बनाया था और तो इसीलिए मैंने इनको राइप करने के लिए छोड़ा हुआ था कि अच्छे से ब्लैक हो जाए, तो ये ख़राब नहीं हुए हैं, ये गले नहीं है, बस ये ओवर राइप है और इन्हीं से बनाना केक बनाया जाता है। और यहाँ पर हस्बैंड भी वही बोल रहे हैं कि जल्दी से बना ले दीपिका, अब तो ये राइप हो गए हैं, तो मैंने यही कहा था कि अब मैं इनको कल को बनाने वाली हूँ, तो बनानास के बारे में ही यहाँ पर बात चल रही थी।
तो अब सारा काम निपटा कर मैं आ गई हूँ यहाँ लिविंग रूम में, और अदवी यहाँ पर देख रही है उसकी एक मूवी है, ये इंग्लिश में है, जो इंडियन टेल्स के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में है। तो वो देखती है, ड्रॉ करती है, सीखने की कोशिश करती है, और यहाँ पर उसने कुछ ड्रॉ किया है, दुर्गा माता है। जब बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना ज्यादा सोच समझ के चीजें बनाती है। तो आप देखिए कि एक 6 साल के बच्चे ने ये सारी चीजें बनाई है, ड्रॉ किया है प्रॉपर, उसने वही अष्टभुजा वाली दुर्गा बनाई है, लाइन बनाया है। तो सो गुड। और यहाँ पर जो है मोबाइल मोबाइल मोबाइल, टीवी चलता रहता है। अगर टीवी में हमारा कुछ आ रहा होता है तो ठीक है, मोबाइल एक तरफ रहता है, अदवी देखती है तो इनके हाथ में मोबाइल होता है, और इनका कहना और तेरे हाथ में कैमरा होता है। तो यहाँ पर बस हमारी गपशप चल रही है, और इतनी बातें होती है ना, देखो एक्शन देखो यहाँ पे, आपको समझ आ रहा होगा कि क्या कॉमेंट यहाँ पे चल रहा होगा। देखो देखो और प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों पापा बेटी जो हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। ये दोनों मुझे इतना टॉन्ट करते हैं ना, इतना सुनाते हैं कि पूछिएगा मत। तो बस यहाँ पर हमारी चिटचैट नोकझोंक चल रही है, तो बस इसी तरह से हंसते हंसते जो ये ज़िंदगी है वो कट जाए और बस हम इसी तरह से इंजॉय करते रहें। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं दीपिका आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लॉट्स एंड लव टू यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.